ਦਰਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੂਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਨਾ ਸੀ ਲਈ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਣੂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਆਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੋਗੇ ये ना उनका सीजन है। अच्छा। ये तो वो है ना कि इस टाइम तो लेडीज भी उनके नीचे ऐसी हैं कि वो जो मर्जी कह दें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं उनकी बात। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको पता है स्टिच तो करवाना है कपड़े। अच्छा। उसके बगैर तो गुजारा नहीं, ना ईद सेलिब्रेट होनी है तो ना बच्चे ना हम कुछ कुछ। अच्छा। खुशी नहीं होता सानू भी तो फिर अगो बुढ़िया ने तंग किया है ना डंडा दिता होंगे कहें भाई सानू तो कपड़े चाहिए ने हफ्ते के चाहिए ने दो दिन चाहिए ने जिंदा काम नहीं होया होंदा उहदा पुलिस लैन टुर पैंदा ते जिंदा काम करके रख देईदा उह लैन ही नहीं आंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त आपका वही फनी सा हौस लाहौरी जानू। नाज़रीन ईद की आमद आमद है, जो ईद की आमद होती है तो दर्जियां की लेडीज की लड़ाई होती है ना वो अपनी जगह होती है। अच्छी दर्जियां नहीं पूछा तो लेडीज नहीं पूछा इन लड़ाइया क्यों कर देने आखिरी दिन जाके और तुम्हें यही ज्यादा अच्छा डर सकते हैं कोई गल है जो तुम्हारा भी सूट नहीं सुलिया तुम थले कमेंट्स कर दो आयो मेरे नाल। अजकल बड़ा तंग कर रहे अगर तुम्हारा सूट नेट से ना सिले तो की मिलेगा सानू तो दर्जी नहीं मिले सूट से दूर की गल दर्जी नहीं लभ्या तुम दर्जी हमारी दर्जन बीमार हो गई है दर्जन बीमार हो गई वो तो बहाने तो नहीं लगा रहे इस दिनों में पता नहीं बताया नहीं ताड़ा सूट ना सिलाई ते चांद रानू ता ना मिला ते की करोगे दर्जी नू मारोगे आहो कितना का मारोगे कुट कुट के तो कीमा बना देना कीमा बना देना सूट ना सिलाया ते आहो तो ईद पे नया सूट नहीं हुआ तो फिर ईद कैसी हुई। अच्छा ये सारा दर्जी तक सूट ना मिलया सारा दर्जी तक सूट का कसूर है लेडी दा कोई कसूर नहीं नहीं लेडी तो मासूम ने ना। आजकल दर्जी जो बात किसी की नहीं सुनते हैं क्या वजह है लेडीज की बात लेडीज चीखती रहती हैं चलाती रहती हैं दर्जी नहीं गाल सुनता की वजह है ये है ना उनका सीजन है। अच्छा। ये तो वो है ना कि इस टाइम तो लेडीज भी उनके नीचे ऐसी हैं कि वो जो मर्जी कह दें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं उनकी बात। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको पता है स्टिच तो करवाना है कपड़े। अच्छा। उसके बगैर तो गुजारा नहीं, ना ईद सेलिब्रेट होनी है तो ना बच्चे ना हम कुछ कुछ। अच्छा। खुशी नहीं होती जिसका सूट सिलता नहीं है वो गुस्से में आती है डेफिनेटली बहुत ज्यादा कि जाहिर सी बात है हम वेट कर रहे होते हैं कि इन्होंने हमें रिस्पॉन्स देना और जब वो आगे से अपना एटीट्यूड दिखाते हैं फिर तो आपको पता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका सूट ना सिला इस बार तो कुछ किसी का सर सूट फट सकता है फटेगा तो उस दर्जी का ही फटेगा भाई घर वालों को तो मारने से रहे तो ये है कि उसके आगे फटेगा फिर अगर नहीं हुआ तो आखिरी दिन जाके दर्जी जो लेडीज को तंग क्यों कर देते हैं ना क्यों नहीं उन्होंने सूट सींदे की वजह की है उनके पास लोड ज्यादा होता है वो हर किसी से वादा कर लेते हैं आप भी दे दे आप भी दे दे आप भी दे दे लेकिन वक्त पे फिर वो पूरे नहीं कर पाते। मेरे 10 सूट भी सिले और उसने मुझे एक एक्स्ट्रा का भी प्रॉमिस किया है मेरी कमिटमेंट है मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर बड़ी दुनिया अगर एंड पे ना मिला आपको तो क्यों नहीं मिलेगा मेरे पास 10 सूट आहार रिजर्व भी होते हैं ना कुछ रिजर्व भी होते हैं। मैं जो है ना वो इस चीज में बड़ी टॉलरेंस और पेशेंस से काम लेती हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है मैं उसको एग्जेम्प्ट करूंगी। मैं दर्जी बड़े तेज है बातें सुन लेती है बाद में एंड पे मुकर मुकर भी जाते हैं नहीं नहीं सॉरी कर देते हैं नहीं वो करता हमने कमिटमेंट ही पक्की है तो हर बंदे से कमिटमेंट ही पक्की लेते हैं नहीं वो कुछ ऐसे हैं वो दुकान रात तक खोल के देर तक बैठ के सी के फिर जाते हैं सर कस्टमर तंग आ रहे आखिरी दिन साजी सिर पाड़न फेर दे सिर पाड़न फेर दे काम है करते साडा छड़ते ओ करते है पाला बस साडी तो जान से आपे पाई खलोती है काम होवे तो तां परेशान ज्यादा तंग करदी है लेडीज छड़ के सानू टेलर नहीं खलोन देंदे किसी साइड दे। अच्छा जी हां जी इन्हां नूं अगो अपना कस्टमर तंग करता है अगो सानू तंग करता है तुहानूं वी ते फिर अगो बुढ़िया ने तंग कीता है ना फिर लिबर्टी दे विच तुहानूं पता है इस टाइम खड़े हैं ते लिबर्टी दे विच जिस वक्त आखिरी 15 रोज होंदे ने सानू गाहकां ने फिर डंडा दित्ता हुंदा कहिंदे ने कि भाई सानू ते कपड़े चाहिए ने ते हफ्ते दे विच विच चाहिए ने दो दिन चाहिए ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੀਏ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਜਰਾ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈ ਰਹੇ ਐਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਐਸੇ ਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਾੜਦੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਸਟੂਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਸਟੂਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਕੜੋ ਆਪਣਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਜੀ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਕੀ ਕੋਈ
मेहनत करते हैं फिर भी नाजरीन नाराज रहते उन्होंने को यार काम पूरा नहीं है लेडीज क्यों नाराज होती घट तो घट 100 कमीज बना चुके हैं मैं ठीक है रात दिन रात करती है 3 दिन तो सुते ही नहीं पैसे लाके वापस आ जाएंगे लेकिन दोबारा वगैरह वापस काम नहीं करा गे टाइम नहीं गया फिर भी डिस्टर्ब कर रहा सर कि पुलिस नु बुलान दिया थाने फड़ा दें लेकिन बाद फौरन बदरंग हो जांदियां ने अखां ही बदल लैंदियां तरले मिन्नत करके रख जांदियां बिलकुल सही कह रहे बाद नहीं बनता दलाल जितना लगी लाइक करो शेयर करो फिर मिलेंगे किसी और से चलो रिजल्ट दे दो ज्यादा अल्लाह निगेबान।